सनसिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका कल सनसिटी के मेयर के हाथों इनॉग्रेशन होगा। उस प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा था, जो आज से एक साल पहले तक इस जगह पे मौजूद थी। अयो, वो प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक क्या नाम था उसका? हाँ, चमन चक्रम, वो किधर है जी आजकल? घनघोर बारिश में वो अपने अंडों से चूजा निकल के भाग। अयो, ये तो बाउंसर गया जी, मतलब बोलो जी। सर पहली में कह रहे हैं कि चमन चक्रम अपनी फैक्ट्री बंद होने के बाद से गायब है। सर को खुफिया खबर मिली है कि वो आजकल अपनी टूटी हुई फैक्ट्री का सन सिटी वालों से बदला लेने की तैयारी में लगा है। ईश मम्मी, बदला? मैंने तो सुना है कि वो चमन चक्रम बहुत ही डेंजरस है, हमें अलर्ट रहना होगा। हमारे साथ खेलो। टैब में लगातार देखते रहने से आंखें खराब हो सकती हैं। हमें अपनी ग्रोथ के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे दो वर्ड्स में कहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। बस आ गया दोस्तों, ये लास्ट लेवल है, टेंशन हो रही है, कुछ खा लेता हूँ। अरे मेरा गेम कहाँ गया? और ये घूमते हुए सर्कल्स कैसे? R7 ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। वाव वाव, मैं डोडो से बन गया डॉगी। वाव 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 वाव। ये डोडो डॉगी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मैं टोनी बॉक्सर से बन गया, टोनी मंकी। बॉस की सिर्फ हरकतें बंदरों वाली थी, पर अब तो सचमुच मंकी बन गए हैं। चलो इन्हें केले खिलाते हैं। जो आज से एक साल पहले तक इस जगह पे पहुंचे। डोडो डॉगी बन गया? दो वर्ड्स में कहूँ तो नॉट पॉसिबल। पता नहीं डोडो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। की तरह बिहेव कर रहा है, ये हो क्या रहा है? रात के अंधेरे के बाद सुबह होती धूप है, बंदर बन के रहना टोनी बॉस का असली रूप है। टोनी बंदर का मुक्का, हुड़ हुड़ हुक्का। Ah!
और मैं बन गया घोड़ा तबड़ तबड़ जो यहाँ वहाँ है दौड़ा। मैं हूँ उसका झटपट काट लूंगा फटाफट। ये सब एनिमल जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये लोग जो हो गए हैं उसे एक वर्ड में कहते हैं हिप्नोटाइज्ड। डोडो इसी टैब में गेम खेल रहा था जब वो हिप्नोटाइज हुआ। इसमें ऐसा क्या है जो डोडो हिप्नोटाइज हो गया? नहीं, उस टैब में मत देखो। मैं बन गई बिल्ली, डॉगी को पहुंचा दूंगी दिल्ली। हम बन गए खरगोश, अब करेंगे गाजर की खोज। चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। सब मेरे काबू में आ चुके हैं। अब वक्त आ गया है किको से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। मेरी फैक्ट्री बंद करवाई थी ना, अब देखो मैं कैसे उस नए हॉस्पिटल को शुरू होने से पहले बंद करवाता हूँ। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमारे दोस्तों को किसी ने हिप्नोटाइज करके उन्हें एनिमल जैसा बिहेव करने पे मजबूर कर दिया है। किको, कोई मेरे सिस्टम को वायरस के थ्रू हैक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है। नहीं सुपर स्पीडो, उस वायरस को किसी भी हालत में खुद को हैक मत करने दो, वरना हम भी हिप्नोटाइज हो सकते हैं। वेल सर किको, रुको, मैं अभी अपने एंटीवायरस फायरवॉल की लेयर को और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। हो गया किको, अब मुझे कोई हैक नहीं कर सकता। मगर मेरे जरिए हिप्नोटाइज किए गए लोगों को मेरा ऑर्डर मानने से कैसे रोकोगे? अब पूरा होगा मेरा असली बदला। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो सुपर स्पीडो। ये लोग इस हॉस्पिटल को क्यों तोड़ रहे हैं? टेम्पो ना, ये आप क्या कर रहे हैं? अयो, दिखता नहीं तुमको, मैं इस हॉस्पिटल को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा जी। लेकिन नहीं,
चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों पर हाथ नहीं उठा सकता। किको, बात को समझो, इस वक्त हमारे फ्रेंड्स किसी और की कंट्रोल में हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। जानता हूँ, मगर मैं इस हालत में अपने दोस्तों को अकेला छोड़ भी तो नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं, मैंने पता लगाया है कि जो कोई भी हमारे दोस्तों को किडनैप करके उनसे ये सब करवा रहा है, और मुझे भी जिसने हैक करने की कोशिश की थी वो इस वक्त 1 किलोमीटर की रेडियस में ही है। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस हॉस्पिटल और अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 40 लगाओ। ग्रेट आइडिया किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 40। हमारे दोस्त जो जो एनिमल बने हुए हैं, मैं उन सबके फेवरेट फूड की एक होलोग्राफिक इमेज जमीन पर प्रोजेक्ट करता हूँ, और वो जैसे ही उसको खाने आएंगे वैसे ही। सुनो दोस्तों, ये देखो खाना। चलो सुपर स्पीडो। सॉरी दोस्तों, ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, मैं बस अभी आया। आखिरकार तुम मुझ तक पहुंच ही गए, अब देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं। अच्छा, सुनिए मिस्टर, आप मेरे दोस्तों को हिप्नोटाइज करके उनसे जो करवा रहे हैं वो बहुत रॉन्ग है। आप प्लीज उन्हें ठीक करके राइट काम कीजिए। बच्चे, पिछली बार जब तुमने मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद कराई थी तब मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आज चटनी की तरह पीस नहीं दिया तो मेरा नाम चमन चक्रम नहीं। हिम्मत है तो जरा पकड़ के तो दिखाओ। सुपर स्पीडो, फाइट फॉर राइट के लिए फॉर्मूला नंबर 26 लगाना ही होगा। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 26। लगता है चटनी बनाने का टाइम आ गया है। किको, अब तुम हो जाओ दूर, वरना कर दूंगा चकना चूर। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाएं हिप्नोटाइज। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 36। बच्चे, ये तो सारी ट्रायल बॉल्स थी, असली बाउंसर तो अब आने वाला है। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। फॉर्मूला नंबर 49। चक्रम की वैन दिख नहीं रही है। सुपर स्पीडो, जेट स्पीड लगाओ और इस टनल से बाहर निकलो। चक्रम हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके किको, एक्टिवेटिंग जेट स्पीड। हाँ, चक्रम गया कहाँ? चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। किको, उस सर्कल की तरफ मत देखो। अब
कोई फायदा नहीं है सुपर स्पीडो, किको अब मेरे कब्जे में है। अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। किको, तुमने बहुत फाइट फॉर राइट कर लिया, नाउ यू विल फाइट फॉर रॉन्ग। सुपर स्पीडो, जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चलो। किको, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हॉस्पिटल की तरफ चलो, ये मेरा कमांड है। ओके किको, मुझे हर हालत में तुम्हारा कमांड मानना ही है। किको, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, किको। अभी तो अटैक शुरू हुआ है, अब यहाँ से मैं किको को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। चक्रम किको को भी हिप्नोटाइज करके उसका यूज कर रहा है। मुझे किसी भी हालत में किको को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना होगा। इंटरनेट पे सर्च करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 26 लगाओ। नहीं किको, मैं फॉर्मूला 26 एक्टिवेट नहीं कर सकता। उस फॉर्मूला से पूरी की पूरी हॉस्पिटल बिल्डिंग और हमारे दोस्त खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने जो कहा वही करो, फॉर्मूला नंबर 26 एक्टिवेट करो। अरे वाह, इस हिप्नोटिज्म का तोड़ मिल गया। किको, ये देखो। सुपर स्पीडो, हॉस्पिटल की तरफ जा रही मिसाइल को रोको। ओके किको, डीएक्टिवेटिंग फॉर्मूला 26। तुमने मुझे हिप्नोटिज्म से बाहर कैसे निकाला सुपर स्पीडो? नेट पे रिसर्च किया तो पता चला कि चक्रम के ट्रांसमिट किए गए सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। हम अगर उन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के दिखाए तो हिप्नोटिज्म टूट जाता है। ग्रेट रिसर्च बडी। अब हम अपने दोस्तों को भी यही रोटेटिंग सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए दिखाएंगे। मगर वो तो इस वक्त एनिमल्स जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके पास जाके दिखाने से वो हम पे अटैक कर सकते हैं। डोंट वरी सुपर स्पीडो, इसमें हमारी मदद करेगा जंगल का राजा शेर। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 327 लगाओ। फैंटास्टिक आइडिया किको, फॉर्मूला 327 एक्टिवेट करके चक्रम के सिस्टम को मैं हैक कर लूंगा और फिर उसे हिप्नोटाइज करके शेर बना दूंगा, फिर वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। ये मेरे सिस्टम पे कैसे आ गया सुपर स्पीडो? मैं बन गया शेर, अब सबको कर दूंगा ढेर। अरे इतना जोर जोर से क्यों दुखता जी? आयो। आप सभी को चक्रम ने हिप्नोटाइज करके एनिमल बना दिया था। ईश, ऐसी गुस्ताखी! बताया मैंने एक बार ऐसे ही एक हिप्नोटाइजर को मार मार के हिप्नोटाइजर से हिप्पोपोटामस बना दिया था। सच्ची में अंकल?
बाबा और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर तरबूज गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था। चलो इस झूठ से मेरा फायदा तो हुआ, ये वाटरमेलन खा लेता हूँ, बड़ी भूख लगी है। तुम लोगों को टेम्पररीली हिप्नोटाइज करके गलती की, लेकिन अब अपनी इस प्रोजेक्शन गन से तुम सबको हमेशा के लिए परमानेंटली हिप्नोटाइज कर दूंगा, और इस परमानेंट हिप्नोटाइजेशन का कोई तोड़ भी नहीं है। चक्रम की चक्री चले वेरी नाइस, सब हो जाए हिप्नोटाइज। चमन में खिले फूल के फूल को गूंथ के उसकी माला बनाने का वक्त आ गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। सारे एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।